प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और विकास के लिए गिर गाय के ए टू विटामिन की बहुलता वाले दूध उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री के आह्वान से प्रेरणा लेकर तराना के ऑफिसर कॉलोनी के पीछे निवासी दुबे परिवार ने मां अहिल्या की नगरी वासियों को गिर गाय के दूध को उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। गिर गाय के मूत्र में स्वर्ण अंश भी होता है। मौजूदा तराना के रहने वाले राकेश दुबे ने बताया कि उन्नत विदेशी और हाइब्रिड नस्ल की गाय दूध जरूर अधिक मात्रा में देती है, लेकिन पौष्टिक के दृष्टिकोण से देसी नस्ल की गिर गाय का दूध सर्वोत्तम है। बाजार में यह दूध प्रति लीटर 120 रुपए बिकता है। हम मात्र 70 रुपए लीटर में लोगों को कांच की शीशी में उपलब्ध कराते हैं और साथ में गौमूत्र भी देते हैं। दुबे ने बताया कि गिर गाय के मूत्र में स्वर्ण अंश भी मौजूद होता है। हमारी सुबह सनोठिया जी के नेतृत्व में मॉर्निंग वॉक की टीम, कम से कम 20-25 सालों से हम मॉर्निंग वॉक करते हैं। हमारे गुरुजी भागवत साहब जो हमको मार्गदर्शन देते देते स्वर्गवासी हो गए, उनके आदर्शों पर चलते हुए हम मॉर्निंग वॉक बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। लेकिन करीब 2 महीने से एक संजू भैया दुबे ने हमको रास्ते में मिल जाते, एक दो बार आग्रह किया कि आप गौमूत्र पी कर देखो, गौमूत्र पीने आओ। तो हम पूरी टीम ने, सभी सदस्य 10-12-15 सदस्य भी हो जाते हैं, गौमूत्र पीने मॉर्निंग वॉक के तत्काल पश्चात गौमूत्र पीते हैं हम सब। और मैंने जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, 2 स्टेंट डले हुए हैं, बीपी प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है और करीब 8-10 गोली मैं रोज खाता हूँ। लेकिन मैंने जब से 2 महीने से गौमूत्र पीना चालू किया है तो मुझे पहले एसिडिटी बहुत बनती थी, अब एसिडिटी बिल्कुल नहीं बनती है। डाइजेशन में समस्या उत्पन्न होती थी लेकिन पेट ऐसा बिल्कुल कांच की तरह साफ हो जाता गौमूत्र का सेवन करने के पश्चात। तो इसको मैं अपने तरीके से भी इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर लेता हूँ। कभी जिस दिन छुट्टी होती है, मान लो कहीं जाना नहीं होता है, तो उस दिन थोड़ी ज़्यादा मात्रा लेके अपने पेट को बहुत अच्छी तरीके से मैं सफाई कर लेता हूँ हफ्ते में 1-2 बार। और एक फ़ायदा मुझे ये मिला कि मेरा बीपी भी कंट्रोल होने लगा। हमारे प्रातःकालीन भ्रमण की जो टीम है, पिछले 2 महीने से मैं उनके साथ आकर यहाँ पर गौमूत्र का, गो अमृत का यहाँ पर सेवन कर रहा हूँ और कई बीमारियों में इसका बहुत ही फायदा हुआ है। आँखों की ज्योति बढ़ी है, पाचन क्रिया में भी सहायक रहा है ये। और यहाँ पर आकर जो हम धर्म और संस्कृति में जो गाय का महत्व है, कहा गया है कि विघ्न टले शुभ मंगल बरसे, गो माता के दर्शन बरसे। निश्चित रूप से हमें गौवंश को बचाने की ज़रूरत है, उनके संवर्धन की ज़रूरत है और उनके द्वारा जो भी खाद्य पदार्थ मिलते हैं वो बहुत ही प्रभावी तो है ही। इसकी प्रेरणा मेरे को भाई साहब से मिली और उनका मेन लक्ष्य यही था, उनका मेन लक्ष्य यही था कि समाज में आज युवा पीढ़ी है वो समय आने के साथ में हम उन बच्चों को जो आने वाली पीढ़ी है पैसे तो बहुत कुछ दे सकेंगे, लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ी दौलत है स्वास्थ्य नहीं होगा। और स्वास्थ्य अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे जीवन में वो कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी जो दौलत है आज कोरोना काल में भी वो नज़र आ रही कि स्वास्थ्य होना, और स्वास्थ्य जब भी मिलेगा जब इम्यून सिस्टम हमारा कम्प्लीट होगा। तो इसके लिए गौमूत्र एक ऐसी चीज़ है जिसका सेवन करके स्वास्थ्य लाभ लिया जाएगा। उसकी परंपरा हम जब बच्चों से डालेंगे तभी ये साकार होगी। और इसका एक छोटा सा उदाहरण कि हमने बच्चों को किस प्रकार से, क्योंकि बच्चे गौमूत्र पीते नहीं हैं लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो इसको गौमूत्र नहीं अमृत की तरह पीते सेवन करते हैं, जो दिन प्रतिदिन इसका लाभ लेते हैं और वही इस लाभ से जो प्रभावित हुए वो बता पाएंगे। इसके लिए हमने पूरा व्यवस्थित रूप से गौमूत्र जिसके बाद जो गौमूत्र नहीं पी पाते हैं उनके लिए हमने गौ अर्घ तैयार किया है, तो इसका भी लाभ ले सकते हैं। सर, इस गौ अर्घ किस तरीके से बनाया जाता है? गौ अर्घ इसको बाइल किया जाता है गौमूत्र को, और जिसके बाद इसका वाष्पीकरण जो होता है वो ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद जो वाष्पीकरण इसका कलेक्ट करके और उसको फिर तैयार किया जाता है। ये नेचुरल रूप से गौमूत्र एक ऐसी चीज़ है कि 3 दिन से ज़्यादा रह नहीं पाता है, लेकिन गौ अर्घ ऐसा है कि इसको साल भर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो नहीं आ पाते हैं उसको गौ अर्घ का उपयोग कर सकते हैं। उज्जैन से अर्पित बोड़ाना की रिपोर्ट।